प्यारे बच्चों, देखते हैं क्लास 10 मैथ्स चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन इज कॉल्ड, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन इज कॉल्ड डैश पॉलिनोमियल। तो वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री वन होती है उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। तो प्यारे बच्चों, हमने अपने बेसिक वीडियो में किया था कि वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री वन हो उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है विच वन इज पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमारे पास फोर ऑप्शंस गिवन है और उसमें से ये पूछा गया कि इनमें से कौन सब पॉलिनोमियल है। ए में है 1 डिवाइड बाय x प्लस 1। अब देखो जो एक्स की टर्म है डिनोमिनेटर में चली गई है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। सेकंड में बी में है रूट एक्स। देखो एक्स की जो पावर है वो फ्रैक्शनल होगी तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है हमारे पास। सी में है 1 डिवाइड बाय x² प्लस 2x प्लस 7, तो एक्स की जो टर्म है डिनोमिनेटर में चली गई तो ये भी नहीं है हमारे पास। डी में है x³ प्लस 1, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री है 3। इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। तो हमें ये बताना है कि कौन सा इनमें से लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। अब ए ऑप्शन में है 2y² - 3y + 4, तो ये तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है y में, इसका वेरिएबल y है। बी की अगर बात करें 4x + 2, तो ये बिल्कुल सही है, इसकी डिग्री 1 है, तो बी ऑप्शन फिलहाल ठीक है। सी ऑप्शन में भी देख लेते हैं। सी ऑप्शन में है x³ प्लस 1, इसकी डिग्री 3 है, तो ये तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। डी है y² - 2, इसकी डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हमसे पूछा गया था लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल तो हमारे पास बी ही है, 4x+2, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर में हमारे पास है ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ डैश पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। क्वेश्चन नंबर फाइव में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमें यह बताना है कि इसमें से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है। फर्स्ट में है 2x² + 3x - 5, तो बिल्कुल सही है, जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सेकंड y² - 2, इसमें भी जो हाईएस्ट पावर 2 है ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। थर्ड में है 2 - x² + √3x। अब देखो रूट थ्री अलग है और एक्स है, अगर ये रूट थ्री एक्स इकट्ठा होता, रूट के अंदर ही होता 3x, तो इसका मतलब तो ये पॉलिनोमियल नहीं था, लेकिन ये तो रूट थ्री तो अलग है एक्स से, तो इसकी भी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है ऑल ऑफ अबव, यानी कि ये ऊपर वाले सारे, यानी कि ऊपर वाले तीनों ही, तो बिल्कुल सही बात है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, और डी में कहा है कि ऊपर वाले सारे, यानी कि डी हमारा राइट ऑप्शन है। मेरे बच्चों, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कभी आप फर्स्ट को फर्स्ट पे टिक कर दो, क्योंकि सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, तो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना होता है जो कि हमारा डी है, तो फिफ्थ का जो आंसर है वो है डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है? फर्स्ट में है 2x² + 3x - 5, यस ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। y² - 2, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 2 - x³, अब देखो इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। डी की अगर बात करें 2 - x², ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे विच इज नॉट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सी में जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर सेवन की, तो क्वेश्चन नंबर सेवन में कहा गया है ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड, एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है तो उसको क्या कहते हैं? क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर, जीरो। तो
जिसकी डिग्री 3 हो उसको क्या कहेंगे हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसका आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। विच वन इज पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। फर्स्ट में है हमारे पास रूट एक्स प्लस वन, इस रूट की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है, इस रूट की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये तो पॉलिनोमियल नहीं है। बी में है वन डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस वन, डिनोमिनेटर में एक्स की टर्म चली गई तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। सी में वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, डिनोमिनेटर में टर्म चली गई एक्स की तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। और डी में है एक्स क्यूब प्लस वन, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। और कैसा पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में है हमारे पास जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 11 आर। तो हमें जीरोज बतानी है एक्स स्क्वायर माइनस 11। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 11, इसकी जीरो निकालना तो आसान ही है। एक्स स्क्वायर माइनस 11 को आप जीरो के साथ इक्वेट कर दें। माइनस 11 को जब आप इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस रूट 11। तो एक तो प्लस का रूट 11 और एक माइनस का रूट 11। अब आप देखेंगे फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें रूट 11 और रूट 11 है, नहीं, एक प्लस का होगा एक माइनस का। सेकेंड ऑप्शन में एक रूट 11 एक माइनस रूट 11, तो बिल्कुल सही है। सी में एक 11 और एक माइनस 11, 11 और माइनस 11 नहीं, रूट में आएंगे तो रूट 11 और रूट माइनस 11, ये भी नहीं, ये डी भी नहीं है हमारे पास, तो बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है इफ़ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 देन द वैल्यू ऑफ पी टू की वैल्यू, यानी कि एक्स की जगह पे 2 पुट कर देंगे हम पी एक्स में तो ये पी टू बन जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा माइनस 3, एक्स की वैल्यू 2 रखनी है, माइनस 4, तो ये 2 की 2 के साथ करेंगे तो 4, माइनस 6 और माइनस 4, तो 4 के साथ 4 कैंसिल आ जाएगा, माइनस 6 आ जाएगा। तो माइनस 6 हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में माइनस 14, सेकेंड में माइनस 10, थर्ड में 6 और फोर्थ में माइनस 6, तो डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू पी एक्स, द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू पी एक्स इज शोवन इन द फिगर फॉर ए पॉलिनोमियल पी एक्स। तो ये ग्राफ है भाई, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स विल बी, तो हमें ये बताना है कि इसके जीरोज कितनी हैं। तो प्यारे बच्चों हमें पता है, हमने बेसिक वीडियो से किया था कि जीरोज कितनी होती हैं, जो ग्राफ है पॉलिनोमियल का वो एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पे इंटरसेक्ट करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस पे सिर्फ इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है और कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसकी जीरोज कितनी होगी, जितनी जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि वन जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसकी 1 0 होगी। तो इसमें है डी, डी में है हमारे पास, डी ऑप्शन में दिया हुआ है 1, तो डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्राफिकल क्वेश्चन में आपको इस तरह से सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें, एक और ग्राफिकल आ गया हमारे पास। द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू पी एक्स इज शोवन इन द फिगर फॉर ए पॉलिनोमियल पी एक्स देन द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स विल बी, तो हमें पता है कि पी एक्स की कितनी जीरो होती है, जो ग्राफ है पी एक्स का एक्स एक्सिस पे जितनी जगह पे इंटरसेक्ट करता है। अब देखो ग्राफ तो ये है और एक्स एक्सिस ये है, ये कहीं आपस में इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे, तो किसी भी जगह पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो जीरोज कितनी होगी, ए ऑप्शन, कोई जीरो नहीं होगी, जीरो, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू जीरो, ना तो 1 0 होंगी ना 2 0, 1 0 तो कब होगी, जब एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, 2 0 होगी जब 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, 3 0 होगी जब 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, कहीं इंटरसेक्ट किया ही नहीं तो जीरो, तो नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो कोई जीरो नहीं होगी इसकी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इसमें कहा गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, इसकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालनी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट, तो हमारे पास प्रोडक्ट के लिए क्या फार्मूला होता है, माइनस, सॉरी सम के लिए होता है,
प्रोडक्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सी डिवाइड बाय ए। तो प्रोडक्ट के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है सी डिवाइड बाय ए। अब देखो आप ए की वैल्यू कितनी है, ए इज़ 1 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। बी की वैल्यू कितनी है, एक्स का कोएफिशिएंट -2। और सी की वैल्यू कितनी है, कॉन्स्टेंट टर्म -8। तो सी डिवाइड बाय ए, सी की वैल्यू है -8 और ए की वैल्यू है 1। ए की वैल्यू है हमारे पास 1, तो -8 डिवाइड बाय 1 तो -8 आ जाएगा। तो यहाँ पे -8, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास आ गया -8। आप उसमें देख लें, ए ऑप्शन में -2, बी ऑप्शन में 2, सी ऑप्शन में -8, तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन में 8 है। ठीक, इसी तरह से अगर आपसे सम पूछ ले, सम तो वो क्या होता है, -b डिवाइड बाय ए। अब b की वैल्यू कितनी है, -2, और यहाँ पे माइनस पहले भी है तो --2 तो प्लस का 2 हो जाएगा, और डिवाइड बाय a की वैल्यू 1 है तो 2 डिवाइड बाय 1 यानी कि कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। अगर सम ऑफ जीरोज की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि हमें प्रोडक्ट पूछा गया था तो प्रोडक्ट के लिए सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। अगर सम के लिए पूछा जाता तो सम आ गया था इसका 2, तो फिर बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है द जीरो ऑफ 3x² + 1 + 4x आर। तो हमें इसके जीरोज कैलकुलेट करनी है। तो इसकी जीरो कैलकुलेट करने के लिए इसको जैसे या तो ये वैल्यू पुट करते रहें इसके अंदर बारी बारी से तो वो बहुत लेंथी होएगा। तो आप जैसे 2.2 एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया उस तरह से इसको सोल्व कर ले। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें, 3x² + 4x + 1। अब आप देख लें इसका सम कितना होना चाहिए, 4, और प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए, 1 की और 3 की मल्टीप्लाई, 1 की और 3 की मल्टीप्लाई यानी कि 3 3। तो आप ऐसे टू टर्म सोचें जिनकी प्रोडक्ट तो है 3 और जब उनको सम करें तो आए 4। अब देखो 3 की और 1 की प्रोडक्ट करेंगे तो 3 आएगा और सम करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 3 और 1 आ जाएगा यानी कि 4x की जगह पे ये लिखने हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x² + 3x + x और + 1। अब इसमें से 3x कॉमन आ गया, अंदर आ गया x + 1, और ये आगे x + 1 है ही है। अब यहाँ से x + 1 कॉमन आ गया तो x + 1 और ये 3x + 1। अब देखो x + 1 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, और 3x + 1 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो 3x = -1, x = -1/3, तो -1/3। तो एक तो हमें -1 मिला और एक हमें मिला -1/3। तो दो ऑप्शन ढूंढे आप इसमें से, -1 और -1/3। तो हमारा जो डी ऑप्शन है उसमें -1 और -1/3 दोनों है, तो डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया द फैक्टर ऑफ, फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया, तो अब की बार इसके फैक्टर बताने हैं। आप इनकी मल्टीप्लाई करके भी पहुंच सकते हैं, इसमें देख लो किसकी मल्टीप्लाई ये बनती है, तो वही इसके फैक्टर होंगे। चारों में से देख लो आप जो मल्टीप्लाई बनती है, नहीं तो आप इसके फैक्टर बना लो, एक स्टेप पहले खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। अब x² - 2x - 3 है तो सम कितना होना चाहिए, -2, और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -3 * 1, तो यानी कि -3 ही बनता है। तो सम -2, प्रोडक्ट -3, तो -3 और 1 ले लें अगर हम, इनको जोड़ेंगे तो -2 मिलेगा, प्रोडक्ट करेंगे तो -3 मिलेगा। तो इसकी जगह पे लिखा जाएगा x² - 3x + x - 3। अब इसमें से x कॉमन आ गया, यहाँ पे कर लेते हैं, x - 3 आ गया, प्लस आगे x - 3 है ही है। अब x - 3 कॉमन आ गया, यहाँ से तो x मिल गया हमें, ये सारा ही बाहर चला गया तो +1 आ गया। तो x - 3 और x + 1, तो ये ढूंढ ले कहाँ पे है, x - 3 और x + 1। पहले में x - 1 है तो ये नहीं हो सकता, x + 1 है, ये है हमारे पास x - 3, ये है, तो बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15।
तो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर सेकंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो नॉलेज है, वो बढ़ती चली जाएगी और मैथ्स जो सब्जेक्ट है आपको ईजी लगने लगेगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।